शांति, आज 1 मार्च 2022 के महाशिवरात्रि पर्व पर परमात्म महावाक्य आज हम सुनते हैं। प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अपनी तकदीर हीरे जैसी बनानी है, पुरुषार्थ कर पाप से स्वर्ग का पूरा वर्षा लेना है। बाबा के बच्चे बने हैं, परमात्मा संतान बने हैं और आज बाबा की जयंती शिवरात्रि अर्थात के बच्चों की जयंती की मुरली है। आप सभी को भी जन्म दिवस की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज बाबा विशेष हमें कह रहे हैं कि तकदीर हीरे जैसी बनानी है, पुरुषार्थ कर बाप से स्वर्ग का पूरा पूरा वर्षा लेना है। ले रहे हैं ना सभी? कहें हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, कौन सा राज बुद्धि में अगर युक्ति युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी? बाबा उत्तर देते हैं, ड्रामा का। इस ड्रामा में हर एक एक्टर को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। कोई का भी पार्ट घिसता व मिटता नहीं है, बनी बनाई बन रही है। इसमें हेर फेर भी नहीं हो सकती। कल्प पूरा होगा तो फिर से वही पार्ट सेकेंड बाय सेकेंड रिपीट होगा। यह बहुत गुह्य राज है, जो युक्ति युक्त बुद्धि में बैठे तो खुशी रहे, नहीं तो मूंझते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मूंझो नहीं, पाप में निश्चय रख पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। कर रहे ना सभी पूरा पूरा पुरुषार्थ? कहें हाँ जी बाबा। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय बच्चों ने गीत सुना, ड्रामा अनुसार समझ में आता है कि तुम अभी बने हो ईश्वर के बच्चे। बने हैं ना सभी हम ईश्वर के बच्चे? कहें हाँ जी बाबा। ईश्वर से तुम स्वर्ग का मालिक बनने आए हो अथवा स्वराज्य लेने आए हो। नरक के मनुष्य मात्र तो यह जानते ही नहीं कि स्वर्ग क्या होता है, तुम तो जानते हो। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जानते हैं ना हम सभी? कहें हाँ जी बाबा। रावण फिर नरक की स्थापना करते हैं, यह भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो, हम बाबा से स्वर्ग की राजाई ले रहे हैं। जब कोई मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, वो या अपने को कहते हैं हम नरक में हैं और सब नरक के मालिक है। यह बिल्कुल बहुत सहज है, मूंझने की दरकार नहीं है। तुम्हारी तकदीर अब हीरे जैसी बन रही है। बन रही है ना हमारी तकदीर हीरे जैसी? हाथ ऊपर करे जिन्हें पूरा निश्चय है। हीरे जैसी तकदीर बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकते। तुम जानते हो कि बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। नरक कितना समय चलता है? कोई को भी समझाते तो कहते हैं सत्युग को तो लाखों वर्ष हुए। तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट, हैं दुनिया वालों को समझाएंगे तो वो तो कहेंगे सत्युग को तो लाखों वर्ष हो गए हैं। फिर बाबा हमें रिमाइंड कराते हैं, तो गॉड फादरली स्टूडेंट हो, गॉड फादर द्वारा स्वर्ग का वर्षा पा रहे हो, फिर बाबा को भूलते क्यों हो? यह बाबा को समझ में नहीं आता है। तूफान तो बहुत आएंगे, तब क्या बिगर मेहनत तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे? कोई मरा तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, फिर रोते क्यों हो? तुमको तालियां बजानी चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। अगर स्वर्ग में जाना इतना सहज है, फिर तो सबको गाली दे दो तो स्वर्ग में, हाँ बाबा कहते हैं अगर स्वर्ग में इतना जाना सहज होता तो स्वर्ग के लिए सभी को गोली दे दो, हाँ तालियां बजाई और हो गया काम, तो स्वर्ग की गोली दे दो सभी को, स्वर्ग में पहुंच जाए।
फिर यहां दुख में रहने की दरकार ही क्या है? मनुष्य में हाँ ये इतनी समझ क्यों नहीं आ रही है? तो बाबा कहते हैं दुख में मनुष्य जहर खाकर भी मर जाते हैं। सिपाही कितने मरते हैं, और अभी तो देख रहे सुसाइड रेट्स भी कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर ऐसी स्वर्ग की गोली होती तो कितना सहज हो जाता, एक दो को भी मारते हैं। बाबा कहते हैं सबको समझाओ, जबकि स्वर्ग गया तो फिर तुम रोते क्यों हो? किसी ने शरीर छोड़ा और वो स्वर्ग गया तो रोने की क्या दरकार? वास्तव में न कोई स्वर्ग में जा सकते हैं, न वापस निर्वाण धाम में जा सकते हैं। अब तुमको स्वर्ग में चलने का उपाय बाप ही बताते हैं। स्वर्ग का रचयिता जब स्वर्ग रचे तब तो स्वर्ग में कोई जावे ना। अब स्वर्ग का रचयिता बाप आया हुआ है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। जब रावण राज्य शुरू होता है तो देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, उसी समय से विकार शुरू हो जाते हैं। रावण राज्य कब शुरू होता है उसका कोई दिन मुकरर नहीं है। तुम बच्चे ये थोड़ी कह सकेंगे बाबा ने कब इनमें प्रवेश किया। जब साक्षात्कार हुआ तब आया वह कब? साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही होते हैं, पता नहीं पड़ता कि बाबा किस समय आया। कृष्ण के आने की घड़ी दिखाते हैं, शिव बाबा की घड़ी आदि कुछ होती नहीं। बाबा तो मालिक है, कब आते हैं पता नहीं पड़ता है। यहाँ मुरली से समझ जाते हैं, बाप समझाते हैं मैं कालों का काल हूँ, मैं सबको वापस ले गया था। सतयुग में तो थोड़े थे ना, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। सभी आत्माओं को वापस जाना है, जरूर पंडा चाहिए ले जाने वाला। मैं रूहानी पंडा बनकर आया हूँ, तुमको ले जाऊंगा। रेडी है बाबा के साथ सभी चलने के लिए? जो रेडी है और समझते हैं कि हम बाबा एवर रेडी है, कभी भी आप ले चलो रेडी, वो हाथ ऊपर करें। बाबा कहते हैं बाबा पंडा बनकर हमें ले जाने के लिए आया है, नई दुनिया के लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। नर्क स्वर्ग क्या है, कितना समय चलता है, कब शुरू होता है, सब बाबा ने हमें समझाया ना। कोई भी सन्यासी आदि ये नहीं जानते हैं। रचता भी एक है, सृष्टि भी एक है। शास्त्रों में तो आताल पाताल आदि बहुत सृष्टियां बना दी है, जिनको ढूंढते रहते हैं, समझते हैं एक एक स्टार में दुनिया है। पाप कहते हैं मैं फिर से तुमको गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। क्राइस्ट को फिर अपने समय पर आना है, रामा एक ही है। सतयुग में सिवाय देवी देवता राज्य के और कोई होता नहीं। अभी तुम जानते हो हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं, याद करते ही है हे पतित पावन आओ, तो जरूर संगम पर ही आना पड़ेगा ना। अभी तुम जानते हो हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या लेने आए हैं। तुम कहेंगे हम बाबा का वर्षा लेने आए हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं। कल्प कल्प वर्षा लेते हैं और गवाते हैं, अभी फिर पुरुषार्थ करना है। पूरी नॉलेज लेकर औरों को फिर देनी है, नहीं तो वृद्धि कैसी होगी। गीत कितना अच्छा है, इनका अर्थ तुम बच्चे ही समझते हो। कौन सा गीत है आज? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। तो बाबा कहते गीत कितना मीठा है, तुम्हारे दिल से लगता है। बाबा आपसे हम ऐसा राज्य लेते हैं जो कोई भी लूट न सके, यह है अविनाशी वर्षा जो अविनाशी बाप से मिलता है। अनादि वर्ल्ड ड्रामा अनुसार अथवा गीता के कथन अनुसार फिर से बाबा गीता सुनाने आया है।
जिसमें राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म कर दिया है, युक्ति से समझाने वाला भी चाहिए। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समा गया, आत्मा तो अविनाशी है ना, उनको पाठ भी अविनाशी बजाना है। उनका पाठ कभी घिसता नहीं है, कभी मिट नहीं सकता है, बनी बनाई बन रही है, उसमें अदली बदली हो नहीं सकती। कितना वंडर है, इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। कल्प पूरा होगा तो फिर ऐसे ही पाठ रिपीट करेंगे, सेकेंड बाय सेकेंड वैसे ही पाठ चलता रहेगा और वैसे ही पास होगा सेकेंड। ड्रामा को भी पूरा युक्ति युक्त समझना है, समझे है ना सभी? है हाँ जी बाबा। कई तो इन बातों में मूंझते हैं। पहले तो बाप में निश्चय होना चाहिए कि बाप से जरूर वर्षा मिलना है। कल्प कल्प भारत को ही मिलता है, 84 जन्म भी लेने पड़े, वर्ण भी जरूर समझाने हैं। यह स्मृति एक दो को दिलानी है कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। सभी तो नहीं आकर पढ़ेंगे, देखते हो सेंटर खुलते जाते हैं, जहां नरकवासी आकर स्वर्गवासी बनते हैं। बाबा को लिखते हैं, हम प्रबंध कर सकते हैं, मुझे कोई वस्तु में ममत्व नहीं है, यह सब कुछ ईश्वर अर्थ है। अब आप जो राय दो मैं भी लिखता हूं, भल आपस में राय करो, जहां अच्छी लोकैलिटी है वहां सेंटर खोलो। हिम्मते मर्दा मददे बाप है, बाप कितना खुश होता है, दिल में समझता है ऐसा दान तो अच्छा होता है ना। बहुतों को कौड़ी से हीरे जैसे बनाना, यह बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल भी है कॉलेज भी है, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का चाहिए। कितना सहज रीति बाबा कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, ऐसा बाबा रहते देखो कितना साधारण है। ऐसा बाबा जो कि कौड़ी से हीरे जैसा हमें बनाते हैं, वो कितना साधारण रहते हैं। कहाँ आए हैं, कोई राजा के पास क्यों नहीं आए? कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। शिव बाबा से पूछते हैं कि बाबा आप ऐसे साधारण तन में आए, तो कहते हैं हाँ। जिसने 84 जन्म एक्यूरेट पूरे किए हैं, सत्युग का फर्स्ट प्रिंस तो यह है ना। इनका नाम भी रखा है श्याम और सुंदर। तुम बच्चे इसका भी अर्थ समझते हो। उन्होंने अर्थ को न समझने के कारण काला कर दिया है, श्याम कर दिया है ना काला। मुख्य शिव बाबा का लिंग भी काला है, कृष्ण राम को भी काला कर दिया है। एक तरफ गोरा फिर दूसरे तरफ काला क्यों? जगन्नाथ के मंदिर में शक्ल ऐसी दिखाते हैं जैसे अफ्रीकन लोग है, काली बिल्कुल। कहाँ कहाँ नारायण को भी काला कर दिया है, कहाँ लक्ष्मी को भी ऐसा दिखाते हैं। अब वंडर लगता है मनुष्यों की बुद्धि कैसी है। बाबा ही सत्य मत देते हैं अपने साथ मिलने के लिए। बाकी तो यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, मुफ्त में पैसे बर्बाद करते रहते हैं। फिर क्यों कहते हैं पतित पावन आओ, याद क्यों करते हैं? गंगा जमुना नाले आदि कितने हैं, बाबा ने भी बहुत तीर्थ आदि किए हैं। अभी तो मोस्ट बिलवेड लकी सितारे नरक स्वर्ग को जान गए हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, तो उनको भी समझाओ स्वर्ग किसको कहते हैं। हम जानते हैं तब तो समझाते हैं। हमको भी स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप मिला है, वह नॉलेज दे रहे हैं। हमारा कोई मनुष्य गुरु नहीं है, सदगुरु एक बाबा है, वही पतित पावन है जिसको बुलाते हैं। निराकार को ही बुलाते हैं ना, जिसको तुम ज्ञान सागर कहते हो, वह सत चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है।
हमको तो नॉलेज है नहीं, देखा भी जाता है उनके पास जो नॉलेज है वो कोई के पास नहीं है। तुमको कितना गदगद होना चाहिए। पतित पावन गॉडफादर हमको पढ़ाते हैं, वह हमारा बाप टीचर सतगुरु है, इसमें गुटखा खाने की तो बात ही नहीं है। अपनी रचना को तो संभालना ही है ना? अगर यहाँ आकर बैठ जाए यह तो सन्यासियों का ज्ञान हो गया। बाबा हठयोग तो नहीं देते हैं, योग की शिक्षा तो नहीं देते ना बाबा। राजयोग अर्थात कि घर गृहस्थ में रहते जिम्मेवारियां संभालते पुरुषार्थ करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम एक घंटा आधा घंटा निकाल सकते हो, करते हैं ना सभी ऐसे? हाँ जी बाबा। पहले 7 रोज भट्टी में पढ़ना पड़े, 7 दिन कोई की याद न आए, कोई को चिट्ठी न लिखे, बिल्कुल सबको भूल जाना है। तुम बहुत वर्ष भट्टी में रहे, 14 वर्ष तो भट्टी में रहे थे ना, फिर भी तकदीर कोई को तो माया खींच लेती है, ऐसी माया प्रबल है। बाप कहते हैं बच्चे धीरे धीरे परिपक्व अवस्था में आते जाओ। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ सब धर्म है, वहां भी अलग अलग सेक्शन है, यहाँ भी ऐसे है वहां भी ऐसे है, परमधाम में भी अलग अलग सेक्शंस है। बाकी मोक्ष किसको भी मिल नहीं सकता, ऐसे नहीं बुदबुदे मिसल आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, फिर तो सारा पार्टी खलास हो जाए, सब ज्योति ज्योत में समा जाए, खेल ही न चले। यह सब झूठ है, झूठ तो बिल्कुल झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है। भक्ति में कोई मुख मीठा थोड़े ही होता है। तुम बच्चे जानते हो मुख मीठा कौन कराते हैं? जानते हैं ना सभी? आज तो जन्मदिन है तो बाबा तो सभी का मुख मीठा कराएगा ना। हो गया सभी का मुख मीठा? बाबा के प्यार भरे अमृत तुल्य महावाक्यों को सुनते हुए जब हम बाबा को भी हांसी करते हैं, उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हमारा भी तो मुख मीठा हो ही जाता है ना। नहीं हाँ जी बाबा। तो बाप की पढ़ाई में पूरा ध्यान देना चाहिए। पुरानी दुनिया को देख लट्टू मत बन जाओ, देह अभिमान में मत आओ। अब तो अपनी बैग बैगेज तैयार कर ट्रांसफर कर दो, अब यह दुनिया खलास होनी है। बाबा कहते हैं सब कुछ इंश्योर कर दो। भक्ति मार्ग में करते हो तो अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है, समझते हैं ईश्वर ने दिया। अभी तुम भी देते हो तो बाबा फिर रिटर्न में देते हैं। डायरेक्ट होने के कारण तुमको 21 जन्म का इंश्योरेंस मिलता है। बाबा कहते हैं देखो हमने फुल इंश्योर किया तो फुल राजाई मिलती है। वह है जिस्मानी इंश्योरेंस, यह है रूहानी बाप के साथ। हमारा रूहानी इंश्योरेंस है, ईश्वर अर्थ दान करते हैं ना, कहे हाँ जी बाबा। तो ईश्वर रिटर्न में देते हैं। वह तो भक्ति मार्ग में भी दाता है तो ज्ञान मार्ग में भी दाता है। यह है बेहद की पढ़ाई, बेहद की बादशाही के लिए। अब जितना चाहो उतना लो, विश्व की राजाई ले सकते हो। पुरुषार्थ की जय है, कोशिश करो विजय माला में पिरो जाओ। मूंजते तो हो, सर्जन राय बताने वाला बैठा है। तुम जानते हो हमने अनेक बार बादशाही ली है और गवाई है, यह ज्ञान अभी है, सत्युग में फिर भूल जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पुरानी दुनिया को देख लट्टू नहीं बनना है, अपनी बैग बैगेज ट्रांसफर कर देनी है।
अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। कोई भी वस्तु में अगर, हाँ दूसरी पॉइंट है, कोई भी वस्तु में अगर ममत्व नहीं है तो फिर कौड़ी से हीरे जैसा बनने की सेवा करनी है। दान करने से ही ज्ञान धन बढ़ेगा न सभी का अनुभव। कहे हाँ जी बाबा। आज का मीठा वरदान है निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले एवर रेडी नष्ट मोहाभव। इसका विश्लेषण है एवर रेडी का अर्थ ही है नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। उस समय कोई भी संबंधी अथवा वस्तु याद न आए, किसी में भी लगाव न हो, सब से न्यारा और सब का प्यारा। इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। मेरा परिवार है, मेरा काम है, नहीं, मैं निमित्त हूं। इस निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास हो जाएंगे। है ना ऐसी स्मृति निमित्त भाव की। आज का स्लोगन है ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। जो ब्रह्मा बाबा के संस्कार उसे अपना संस्कार बनाए, बात हम क्या कर रहे हैं, फॉलो फादर कर रहे हैं। हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए मैं नष्ट मोहा हूं, मैं नष्ट मोहा हूं। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।